भारत का संविधान किस देश से कॉपी किया गया है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नया वीडियो में। आज का वीडियो सबसे खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोग बताऊंगा कि भारत का संविधान किस देश से कॉपी किया गया है। क्योंकि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान लिखा था तो लिखने के बाद उन्होंने कहा था कभी मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं भारत का संविधान जलाऊंगा। जी दोस्तों, ऐसा वो क्यों कहा था? क्योंकि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा था, लेकिन उन्होंने ही कहा था कि कभी मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं भारत का संविधान जलाऊंगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था और भारत का संविधान किस देश से कॉपी किया गया है, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संसद के बारे में करते हैं बात, तो आपके जानकारी बता दें संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यानी जो भी भारत में संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद भारत में जो एकल नागरिकता कानून है वो ब्रिटिश की सरकार से लिया गया, यानी एकल नागरिकता कानून ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। साथ ही मंत्रिमंडल प्रणाली और न्यायालय का विशेषाधिकार ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया, यानी भारत में मंत्रिमंडल प्रणाली और न्यायालय का विशेषाधिकार ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया। उसके बाद और दीव सदनवाद वो भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया, यानी इंग्लैंड से लिया गया। ये सब मंत्रिमंडल प्रणाली या फिर न्यायालय का जितना भी अधिकार है ये सब ब्रिटिश संविधान से लिया गया। और संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए जो भी प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया है। उसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य, यानी मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में 1976 में जोड़ा गया था। ये कानून रूस के संविधान से लिया गया, यानी जो भी अभी भारत में मौलिक कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिया गया। इतना संविधान भारत किसी और देश से कॉपी किया गया।